हर व्यक्ति एक ही बात करता है, हम किसी की नहीं सुनेंगे। मत सुन, जब तू किसी की नहीं सुनेगा आखिरी में फिर डॉक्टर की सुनेगा, और डॉक्टर एक ही बात कहेगा, अब इनका समय आ गया। एक ही बात डॉक्टर के मुंह पर रहेगा, अब इनका समय आ गया, अब ये हमारे बस के नहीं है, अब इनकी जिंदगी का ये सब क्रम जाने, ये हमारे बस की बात नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने आज सुन लिया, जिसने आज अपनी जिंदगी को धारण कर लिया, जिसने आज परमात्मा की भक्ति को पा लिया, लोग कहते हैं अभी हमारा बचपन है, बचपन में कोई भगवान का भजन करना चाहिए, जवानी में भगवान का भजन करना चाहिए, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो एंजॉय की उम्र है, घूमना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, फिरना चाहिए, धर्म पत्नी को लेकर गोवा चले जाओ, बच्चों को लेकर यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये तो हमारा एंजॉय का उम्र है। बचपन हमारे पढ़ने की, हमारे खेलने की, आनंद करने की उम्र है। जवानी हमारी भोग विलास की उम्र है। अधेड़ी जब एक अवस्था आती है तो ये तो हमारी कमाने की उम्र है। फिर आया बुढ़ापा, और फिर बुढ़ापे में कहा कि अब बुढ़ापा आ गया, तो कहा अब भजन की उम्र है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, हाथ थर 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 कांपे, पाँव से चला नहीं जाए, मुख में एक भी दांत नहीं बचे, नेत्रों से दिखाई नहीं दे, कानों से सुनाई नहीं दे, और तुम अपने छोरा से कहो मुझे कोड़िया ले जा और शिव पुराण सुना ला, तो छोरा भी कह देगा माँ तू घर में बैठी रह, कहीं मत जा। आज की औलाद एक कुत्ता घुमाना पसंद करती है, पर बुड्ढों को घुमाना पसंद नहीं करती। इस विचार में मत रहना कि तुमको कोई ले जाएगा, वो तो तुम्हारे शरीर में भोलेनाथ जी ने बल दिया, शरीर ठीक हुआ, इसलिए तुम शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ गए हो और शंकर की कथा सुन रहे हो। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में किसी ने लिखा, मेरा नाम लता कन्नौजे है, मैं बेमित्रा जिला नगर पंचायत सांझा से यहाँ आई हूँ। कहीं बैठी हैं, हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम लता कन्नौजे है, आप ही हैं, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिलाइए एक बार। मेरा नाम लता कन्नौजे है, मैं बेमित्रा जिला नगर पंचायत सांझा से आप यहाँ पधारी हूँ। मेरा पति का नाम श्री छगन कन्नौजे है। मेरे पति को 2021 में दो बार पैरालिसिस का अटैक आया था, दोनों बार हमने हॉस्पिटल इलाज करवाया, आयुर्वेदिक इलाज करवाया। पैरालिसिस स्ट्रोक में हकलाने लगे थे, इलाज रायपुर एम्स हॉस्पिटल में कराया, कुछ समय बाद दूसरा स्ट्रोक पड़ गया, फिर उनका मुंह टेढ़ा हो गया और दायां हाथ शून्य पड़ गया। मेरे पति की आयु 57 वर्ष है गुरुदेव, उनके मुंह से लगातार लार बहती थी, सब परेशान हो गए, उनका शरीर कमजोर पड़ता गया। डॉक्टर का कहना था कि वो एकदम से ठीक नहीं हो पाएंगे, उसमें समय लगेगा। समय बीतता गया, इलाज चलता रहा, अचानक उनको तीसरा अटैक आ गया, और तीसरा अटैक आया उनका मुंह पूरा बंद हो गया, मुख से आवाज चली गई, कुछ बोल नहीं सकते, ना बोल पाते ना खा पाते, और ना पानी पी सकते ना कुछ खा पाते। गुरुदेव ये 2023 की बात है, हम बिना देरी किए रायपुर एम्स लेकर गए, एडमिट कराया, नाक में पाइप डाल दिया गया, उसी के सहारे पानी देते थे, उसी के सहारे जूस देते थे। उनको लेकर आए,
डॉक्टर ने कहा अब उनका गुजारा बस ऐसे ही रहेगा, उनके पाइप से ही उनकी जिंदगी चलेगी। 3 बार पैलेसिस का अटैक आया, अब स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। हॉस्पिटल में 25 दिन तक रखा, पर 25 दिन तक उनको मुख से खाना नहीं दे सकते थे, पाइप से ही दिया। आखिरी में उनको लेकर आए घर पर, पाइप से खाना देते, पानी देते। बड़ी परेशानी हो गई, ना बोल पाते, ना खा पाते, ना पानी पी पाते। तब किसी ने कहा कि शिवजी पर चढ़ा हुआ एक लोटा जल आप चढ़ाओ, उसका पानी लाकर इनके पाइप में डालकर उनको अंदर दो। पाइप में से पानी केवल एक दिन दिया, दूसरे दिन उन्होंने इशारे में बोला कि इस पाइप को निकाल दो। पाइप निकाला गया और दूसरे दिन से ही उन्होंने भोजन करना और पानी पीना अपने मुख से चालू कर दिया। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया हूँ। एक बार फिर से हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब ठीक है, बाबा की कृपा, बैठिए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, शरीर में कष्ट है, शरीर में दुख है, तकलीफ है, आप उसको पा सकते हो। उसकी भक्ति, उसका भजन, उसका कीर्तन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप स्मरण कर सकते हो। कौन आएगा आपके दुख की घड़ी में? रिश्तेदार बाहर खड़े हो जाएंगे, नातेदार, परिवार, कुटुंब, कबीला, सब बाहर, केवल एक अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। हम इतने छोटे बन जाएं कि परमात्मा को पाने के लिए हम तत्पर रहें। जितने छोटे बनोगे, बहुत वीआईपी बनकर नहीं अपनी जिंदगी जी सकते। जो वीआईपी होता है, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, ये सब जो वीआईपी होते हैं, इनको देखना, इनकी गाड़ी भी 50 बार चेक होती है। बोलो होती कि नहीं होती? अरे बोलो तो जम के। क्या खाते हैं वो भी चेक होता है, क्या खाएंगे, बनाने वाले ने बनाया वो भी चेक होगा। मंच पर जाते हैं तो मंच चेक होता है। बोलो रे, अरे मुझसे तो बोलो, होता है ना। जिस गली में से निकलेंगे गली चेक होती है। और एक साधारण नो वीआईपी, कोई वीआईपी नहीं, उसको कोई चेक करके बता दे, करेगा कोई चेक उसको? कोई चेक करेगा? यहां जितने वीआईपी बैठे होंगे उनका तो 5 चेक हुआ होगा। उनका तो कागज भी चेक हुआ होगा, आईडी भी चेक हुई होगी, तब अंदर आने दिया होगा। पर जो वीआईपी नहीं है, वीआईपी इंद्र के पास जाते हैं, नो वीआईपी महादेव के पास जाते हैं। तुम खुद, अरे तुम कहोगे सियोर वाले महाराज जी ऐसी बात करते हैं, उठा के देखो ना, भगवान विष्णु की शादी हुई, सब वीआईपी आ। बोलो सही है कि गलत है? ब्रह्मा जी की शादी हुई, सब वीआईपी आ। इंद्रदेव की शादी हुई, सब वीआईपी आ। राम जी की शादी हुई, सब वीआईपी आ। भगवान कृष्ण की शादी हुई, सब वीआईपी आ। शंकर जी की शादी में कोई बाल खोल के, बड़ी बड़ी आंख,
बारह पंद्रह मुंह पावनी तो जमीन पर रेंग के डाकनी पिसाचनी चुड़ैल भूत भयंकर, बस उन्होंने तो डमरू खड़काया, सब समझ गए अपने महादेव की शादी है जाना है। तो किसी ने पूछा वीआईपी तो नहीं है? इतने में सारे भूत चुड़ैल बोले वीआईपी तो अपने देख के ही भग जाएगा रे, चलो सब भग जाए। जो बाबा का है ना, जो शंकर जी का है, मेरे ओगड़तानी का, जो शंभू का है ना, उसको वीआईपी से मतलब ही नहीं होता, वो तो बाबा का है, इसलिए अड़भंगा होकर भगवान शिव की भक्ति में चला जा। यहां पर देखेंगे कि तुम वीआईपी हो, ऊपर जाने पर कोई तुमसे कहेगा बोलो रे कोड़िया वालों पास दिखाओ अंदर जाने के लिए? नहीं, वहां तो केवल एक पास चलता है, जिसने भगवान की भक्ति करी, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी गरीब बड़े की जिंदगी में काम आया, बस यही वहां चलता है। अपने हाथ से पुण्य करते चलना, वो पुण्य तुम्हें बेकुंठ का निवास देगा, पुण्य तुम्हें बेकुंठ का निवास देगा, अच्छे कर्म तुम्हें बेकुंठ का निवास देगा। अब ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम बेकुंठ जाना चाहते हो, नरक जाना चाहते हो, हमारा तो बिल्कुल विचार नहीं है कि हम बेकुंठ जाएं, क्योंकि बेकुंठ में जाएंगे तो करेंगे क्या वहां पर? भगवान नारायण तो दिन भर पितृलोक में बैठे रहते हैं, लक्ष्मी जी भक्तों के घर में जाती रहती हैं, बेकुंठ पूरा खाली पड़ा रहता है, रूम मिल जाता है, एसी का खाने के लिए भोजन मिल जाता है, सोने की थाली चांदी के कटोरे सब मिल जाएगा, दासियां मिल जाएगी, चवन डोलाएगी, सब मिल जाएगा, पर भगवान की शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। इसलिए कैलाश पर्वत सबसे अच्छा है, वहां भगवान की भक्ति भी हो, भजन भी हो, कीर्तन भी हो, मंत्र जाप भी हो, स्मरण भी हो, नाम जाप भी हो, और रोज भक्त आएंगे एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो मेरे महादेव के चरणारविंद का जल रोज आचमन करने को मिलेगा, तो मेरी जिंदगी सार्थक होती चली जाएगी। इसलिए बोल बम का नारा है, बस उसके सहारे जीना, एक आनंद की अनुभूति के साथ जीना, जितने छोटे बन सकते हो, जितने छोटे से छोटे बन जाओ, मेरा शिव आपको उतना प्राप्त कर लेगा। बड़े बनने में आनंद की अनुभूति नहीं होती, छोटे बनने में सुख होता है। घर की एक बड़ी बहू होती है, एक छोटी बहू होती है, बड़ी बहू जरा सी भी गलती कर दे तो सास कहती है क्योरी देख के नहीं चल सकती, और छोटी थोड़ी सी भी गलती कर दे तो सास कहती है नहीं है अभी चलना सीख रही है, छोटी है छोटी है छोटी है, वो छोटेपन में निकल जाती है। घर की जो बड़ी बहू होती है उसको बड़े मर्यादा में रहना पड़ता है, मामा जी आएंगे भोजन करेंगे, काका जी आएंगे भोजन करेंगे, और छोटी सबसे पहले खा पी के वो गई, कौन देखे, छोटी है, डांट लगेगी तो किसको लगेगी, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, बड़ी तुझमें अकल नहीं है, तू तो बड़ी थी, हमारे घर की बहू थी, इतना बड़ा इतने पुरानी है, तुझमें तो अकल होना चाहिए, कहाँ तू ऐसी हो गई, तेरा विचार कहाँ है, सोच कहाँ है, उसको समझाया जाए, छोटे बन जाओ, बहुत छोटे, और जितने छोटे बनकर सुख का अनुभव करोगे उतनी जिंदगी का आनंद पा जाओगे, जितने छोटे बने। चलो और सरल भाषा में समझ लो, 15 साल के लड़के को कोई माँ यहां गोद में लेके बैठी है, जम के बोलो जरा, 15 साल के लड़के को कोई माँ गोद में लेके बैठी है? नहीं। 6 महीने के बच्चे को मां रोड पे छोड़ देगी क्या? 8 महीने के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को मां कहीं छोड़ती नहीं है, हाथ पकड़ के रखती है,
गोद में बिठा कर रखती है, उसी तरह छोटे बच्चे को माँ अपनी गोदी में रखती है और बड़े बच्चे को माँ दूर रख लेती है, उसी तरह मेरा भोलेनाथ जो छोटे हैं उनको अपनी गोदी में रख लेते हैं, जो बड़े हैं उनको थोड़ा दूर रख देते हैं। इसलिए तो दुनिया के लोगों को लगता है कि शंकर हमारे, किसी भूत से पूछो तो भूत कहता है शिव जी हमारे, कोई प्रेत से पूछो तो कहता है प्रेत हम शंकर जी हमारे, कोई गंधर्व से पूछो तो गंधर्व कहता है देवता हमारे हैं, कोई देवों से पूछे तो देव कहते हैं कि शिव जी हमारे हैं, कोई जिससे पूछोगे वो एक ही बात कहेगा कि शंकर भगवान मेरे हैं। आपके मन में भी बस यही भाव होना चाहिए कि मैं इतना छोटा बन जाऊं कि परमात्मा मेरे हो जाएं और मैं परमात्मा की गोद में जाकर बैठ जाऊं। जब उसकी गोद में बैठा रहूंगा तो वो संभालता रहेगा। अब अगर हम परमात्मा की गोद में जाकर बैठे हैं तो भोजन कराने की जवाबदारी उसकी है, छोटे से 6 महीने के बच्चे को दूध पिलाने की जवाबदारी माँ की है, उसको पानी पिलाने की जवाबदारी माँ की है, उसको लोरी गाकर सुलाने की जवाबदारी माँ की है। उसी तरह जब हम छोटे बन जाते हैं और परमात्मा की गोद में, सत्संग में, प्रवचन में, शिव महापुराण में, भगवान शंकर के मंदिर में छोटे बनकर बैठते हैं तो सारी जवाबदारी भोलेनाथ की हो जाती है। वो अच्छा रखे, बुरा रखे, जैसा रखे उसकी मर्जी है। कि सीताराम 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 कही है, जाई विधि राखे राम काही है, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को। धन्यवाद निर्वाद राम राम कही है, जाई विधि राखे राम ताई विधि है। बस जिस भाव से वो रखे उस भाव से हमें एक बार कश्यप ऋषि जी के साथ में जब सुरभि मां कामधेनु का विवाह हो गया, चली गई, और कश्यप ऋषि के साथ में जब माता सुरभि मां कामधेनु जब गई, कश्यप बाबा के आश्रम में जब पहुंची, कश्यप ऋषि के आश्रम में जब पहुंच जाती है, तब आज कश्यप ऋषि सुरभि को देख रहे हैं, और कश्यप ऋषि ने सुरभि को क्या देखा कि सुरभि गाय के पूरे शरीर में 33 कोटि देवी देवता विराजमान, संपूर्ण शरीर के अंदर। तैतीस कोटि देवता गाय के अंदर विराज है। कश्यप ऋषि ने क्या देखा कि मैं संध्या करता हूं तो जितने भी देवी देवता इस सुरभि के शरीर में है वो सब संध्या करते हैं, मैं भजन करता हूं सुरभि के शरीर में जितने भी देवता हैं वो भजन करते हैं, मैं कीर्तन करता हूं सुरभि के शरीर में जितने भी देवता हैं वो सब कीर्तन करते हैं। मन में भाव उत्पन्न हो गया कश्यप ऋषि के, चलो सुरभि आज इस वन क्षेत्र में हम भ्रमण करने के लिए चलते हैं, और वन क्षेत्र में भ्रमण के लिए जब कश्यप ऋषि सुरभि गाय को लेकर निकले, माता सुरभि कामधेनु को लेकर निकले, तो क्या देखा, सामने से एक सुंदर स्त्री आ रही, बड़ी सुंदर है वो, अति रमणीय स्त्री, बहुत सुंदर स्त्री, श्वेत वस्त्र हैं, गले में श्वेत आभूषण है, मस्तक पर श्वेत मुकुट लगा है, कानों में श्वेत कुंडल है, हाथ में एक छोटा सा घड़ा है,
और बड़ी सुंदर एक स्त्री सामने से आ रही है। तो कश्यप ऋषि को लगा कि कोई देवलोक की अप्सरा होगी, कोई देवलोक से अप्सरा आ रही होगी, और हो सकता है सुर भी मेरी धर्म पत्नी है, तो 33 कोटि देवता इसके शरीर में है, तो उनका आदर करने आ रही होगी। सामने से स्त्री को आते हुए देखकर कश्यप ऋषि एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि इतनी सुंदर स्त्री है और नजदीक आ रही है सुरभि के। अब कुछ देर तक तो वो सुंदर स्त्री कश्यप ऋषि के पास तक आई और सुरभि गाय को देखकर वो स्त्री 5 मिनट के अंदर ओझल हो गई, छुप गई। 5 मिनट नहीं लगा और ओझल हो गई। अब कश्यप ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन स्त्री थी, कहां से आई थी, सामने आई और ओझल हो गई। सुरभि मैया ने देखा कि ये साधारण स्त्री नहीं थी, ये जो सामने आई थी ना, ये मृत्यु लोक को तारने वाली तरो तारण गंगा महारानी थी जो सामने से निकल कर जा रही। गंगा है, जो ये सामने से निकल कर जा रही है ये गंगा है। कश्यप ऋषि से सुरभि मां ने कहा, जो सामने आपको दिखी थी सुंदर स्त्री वो गंगा थी। गंगा? हाँ। तो रुकी क्यों नहीं, ठहरी क्यों नहीं, उस गंगा ने मुझसे बात क्यों नहीं करी? गंगा तो मां है, बात तो करना थी, पता नहीं क्यों नहीं करी। और सुरभि मैया कश्यप ऋषि के साथ घूमती घूमती वापिस अपने कश्यप बाबा के आश्रम में पहुंच गई। गंगा के हृदय में बेचैनी आने लगी, गंगा अंदर से छुप्त रहने लगी, अंदर से मौन रहने लगी। कभी कभी ऐसा होता है, देवरानी शादी कर कर जब देवर की शादी होती है और देवरानी आ जाती है, तो घर में जो जेठानी रहती है उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरी मान, मेरा सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा कम हो गई। सास देवरानी को ज्यादा चाहती है, सास छोटी बहू को ज्यादा चाहती है, पर निवेदन करूंगा मेरा छोटी माताओं से, छोटी देवरानी से, जेठानी से, घर की बहुओं से एक निवेदन करूंगा, कभी मत सोचना कि सास छोटी को ज्यादा चाह रही है कि बहू बड़ी को ज्यादा चाह रही है। किसी सास से पूछना तुम्हें छोटी बहू ज्यादा अच्छी लगती है कि बड़ी बहू अच्छी लगती है, सास हमेशा एक ही बात कहेगी, मैंने दोनों बेटों को बराबर का दूध पिलाया है, इसलिए मेरे बेटे बराबर हैं तो मेरी बहू में भी बराबर। और सासुओं से निवेदन है, कभी मत कहना कि बड़ी बहू अच्छी कि छोटी बहू अच्छी, बुढ़ापे आते आते किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है, गेंद किसी के भी पाले में जा सकती है, इसलिए कभी मत बोलो कि छोटी अच्छी कि बड़ी अच्छी, हमेशा कहो मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, बढ़िया, जिसकी यहां अच्छा खाना मिल जाए उसके यहां से खा लो, उसमें क्या दिक्कत है। पर कभी मुख से मत कहो कि बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी, मेरी दोनों बहुएं बढ़िया, मेरी मंजली बहू बहुत बढ़िया, संजली बहू बहुत बढ़िया, मेरा परिवार बहुत बढ़िया, तुम्हारी बहू में सबसे अच्छी बहू कौन सी है मुझे नहीं मालूम, मैं तो इतना जानती हूं खाना खाने बैठती हूँ एक बहू पानी भर देती है, दूसरी बहू रोटी ला देती है, मैं जब कहीं जाती हूँ एक बहू बैग जमा देती है, दूसरी बहू मेरा टिकट करा देती है, मेरे को कहीं पर भी जाना हो मेरी बहू, दोनों अच्छी हैं। कभी मत कहो कि बड़ी अच्छी कि छोटी अच्छी, क्योंकि ये बुढ़ापे का जीवन ना जाने किससे पाला पड़ जाए। कभी अपनी जिंदगी में मत कहो कि ये छोटा अच्छा कि बड़ा अच्छा, सब अच्छे। आज सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पड़ी है, आज जो लोगों ने जो बांटा है ना, ये बड़े और छोटे में हमारा देश बंटते चले जा रहा है। कोई कहता है ब्राह्मण, कोई कहता है क्षत्रिय, कोई कहता है वैश्य, कोई कहता है शूद्र, ये बड़े और छोटे में हमारा देश बंटते चले जा रहा है। राजनीतिक समीकरणों में ये सबसे मूल होते चले गया। कोई कहता है हमने ब्राह्मणों को अपने कब्जे में कर रखा है, कोई कहता है हमने क्षत्रियों को अपने कब्जे में कर कर रखा है, कोई कहता है हमने वैश्यों को अपने कब्जे में रखा है, कोई कहता है हमने शूद्रों को अपने कब्जे में रखा है। सब राजनीतिक पेतरने हैं जिसके अनुसार ये अपने अपने कब्जे में कर कर रखे हैं, पर समझने की जरूरत
तुमको है, समझने की जरूरत आपको है। कभी अपने भीतर ये मत लेकर आना कि ये बड़ा कि वो छोटा, तुम तो ये मानकर चलना कि शंकर का जो भक्त होता है वो श्रेष्ठ होता है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा। हमारी दृष्टि में सब सम होना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक होना चाहिए, सब एक। पर लोगों ने बिगाड़ दिया है साहब, ये इनको कोई सम्मान नहीं मिले, इनको सब सम्मान। ना 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 ना, ना। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी के मंदिर में ब्राह्मण भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में क्षत्रिय भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में वैश्य भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में शूद्र भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में डॉक्टर भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में कलेक्टर भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में मिनिस्टर भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में कमिश्नर भी जाता है, शंकर जी के मंदिर में अगर विद्वान से विद्वान इंजीनियर भी जाता है तो शंकर जी के मंदिर में अनपढ़ भी जाता है। शंकर सबका है, सबके हृदय में निवास करता है। अगर नहीं करता होता, एक पत्र आया देखिए, मैं संतोषी निषाद शिक्षिका पति श्री सगनु राम निषाद ग्राम नंद कड़ी। तुम समझ गए ना, बस जिला दुर्ग कहीं बैठी हैं, हाथ हिला दो एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए। हाँ ठीक है, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं संतोषी निषाद शिक्षिका पति श्री सगनुराम निषाद ग्राम नंदकड़ी जिला दुर्ग निवासी हूँ। मैं बाबा की भक्ति का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, मैं खुद शिक्षिका हूँ, गुरुदेव बाबा की कृपा क्या होती है यह कोई मुझसे पूछे। 2 जनवरी 2022 भिलाई में शिव महापुराण की कथा सुनी और उस दिन से आपकी कथा छत्तीसगढ़ में जहाँ भी होती है सुनने के लिए एक दिन दो दिन पहुँचती जरूर हूँ। आपकी कथा में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अपने पिता के घर में अपने मायके आए हैं और भगवान शिव से मिलने के लिए आए हैं। गुरुदेव मेरा पुत्र चमनदीप निषाद 12वीं कक्षा में पास हुआ, उसके बाद में वो नीट की तैयारी करने लगा। पहले वर्ष परीक्षा में वो सफल नहीं हुआ, क्योंकि नीट की जो परीक्षा होती है वो बड़ी कठिन परीक्षा है गुरुदेव। डॉक्टर बनने के लिए जो परीक्षा है वो बड़ी कठिन है, सफल नहीं हुआ। लोगों ने उससे कहा कि तू कोचिंग करने बाहर चले जा, यहां चले जा वहां चले जा, पर मैंने अपने पुत्र से कहा कि तू घर में मेहनत कर और बाबा चाहेगा ना तो अब की बार परीक्षा देने जाना तो बेलपत्र की बीच की पत्ती में शहद लगाकर शिवजी को लगाकर फिर चले जाना। बेटा कहता है माँ तुम भी इन साधारण बातों पर विश्वास करती हो। मैंने कहा बेटा वो सीहोर वाला जो महाराज है ना, वो बोलता है टीवी पर कथा में कि शंकर पर करा हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं है, तू एक बार बेलपत्र चढ़ा कर तो जा। गुरुदेव दूसरी बार परीक्षा भिलाई में दिलवाई, बेलपत्र पर शहद लगाकर उसको भेजा। बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं, और आपने जो ऑनलाइन पूजन कराई उसकी बेलपत्र, टीवी पर जो आप पूजन कराते हो सावन के महीने की शिवरात्रि पर, उसकी बेलपत्र मैंने रख ली और बेटे से कहा तू भी पूजन कर और इस बेलपत्र को रख अपने कमरे में। गुरुजी तेरे कहते हैं जिस कार्य के लिए बेलपत्र रखोगे वो कार्य सफल होगा। मेरे बेटे ने और मैंने मेरे बेटे की नीट की परीक्षा पास होने के लिए, उसको डॉक्टर बनने के लिए हमने बेलपत्र रखी और बाबा की कृपा से 15 जुलाई को हमने पूजन करी ऑनलाइन
14 अगस्त को नीट का रिजल्ट आ गया और मेरा बेटा MBBS के लिए अंबिकापुर गवर्नमेंट कॉलेज में उसका नाम आ गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये पर शिव तत्व की प्राप्ति है, बैठी है बहन, हर हर महादेव, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम दक्षी साहू है और मैं कोहका भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की रहने वाली, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। दक्षी साहू आप ही हैं, आपको बधाई बाबू बहुत बहुत। मेरा नाम दक्षी साहू है, उम्र 20 वर्ष है, मैं कोहका भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरे पिता श्री भगत सिंह साहू और माता का नाम योगेश्वरी साहू है, गुरुदेव। मैंने 10th क्लास से ही, मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। 12th पास किया, नीट का एग्जाम देने के लिए आतुर हुई लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। मैंने पहला नीट का एग्जाम 2020 में दिया था जो क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने 2021 में दिया, उसमें भी मेरा क्लियर नहीं हुआ। तब उसके बाद मैंने सोचा, बाबा अब मैं करूं क्या। तब मेरी माता और मेरे पिता ने कहा कि शंकर के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो और जिस समय एग्जाम देने जाना तो बेलपत्री पर शहद लगा कर जाना। बस गुरुदेव, 2022 का एग्जाम आया और मैंने शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे घर के लोगों ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, मैंने एग्जाम दिया, बेलपत्र लगाई और बाबा की कृपा से मैं नीट एग्जाम में पास हो गई और 2023 में मैं BMSS के लिए गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज में रायपुर में मेरा चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बधाई आपको बाबू डॉक्टर बनने के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व इसी को कहते हैं। शंकर ओ घड़ी है, दुनिया के लोग हंसते हैं बेलपत्री पर शहद लगाने से कुछ होता है, दुनिया के लोग हंसते हैं दुर्वा चढ़ाने से कुछ होता है, दुनिया के लोग हंसते हैं जल चढ़ाने से कुछ होता है। इन पत्रों में एक पत्र ऐसा भी रखा है जिसकी लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो चुकी थी, डॉक्टर ऑपरेशन के रूम में ले जाने वाला था 4 दिन बाद और उसका लीवर और किडनी सब डैमेज हो चुकी थी। उसका पत्र रखा, पढ़ूंगा बाद में, पूरी डैमेज और लीवर और किडनी बेकार हो गई और ऑपरेशन की तैयारी हो रही है और उसको किसी सिस्टर ने, नर्स ने आकर कह दिया, तुम्हारे परिवार वालों से कहो कि शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाकर उसका पानी तुमको ला दे या सीहोर भेज दो, 4 दिन है, कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लिया है, पानी में गलाए, शिव जी को चढ़ाकर तुम्हें पिलाए। उसका पत्र है इसमें जिसने लिखा। शशि ध्रुवे, सड़क क्रमांक 1, शांति नगर, कोहका, भिलाई दुर्ग से हैं, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, जहां कहीं भी बैठी हो। शशि ध्रुवे, सड़क क्रमांक 1, शांति नगर, कोहका, भिलाई दुर्ग। गुरुदेव, 2006 में मुझे लीवर संबंधित परेशानी हो गई, किडनी बेकार, लीवर बेकार, डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोल दिया। गुरुदेव, 18 साल से लीवर की परेशानी थी, किडनी की परेशानी थी। 2022 आया, मैं बीमार पड़ा, डॉक्टर के पास गए, वहां उन्होंने एडमिट करा और ऑपरेशन की कह दिया। अब गुरुदेव क्या कहूं मैं, आपकी जयंती स्टेडियम भिलाई में कथा हुई, घर के लोगों ने कथा सुनी, विश्वास जागृत हुआ, हॉस्पिटल में पड़ा, नर्स डॉक्टर ने कहा कि कहीं से रुद्राक्ष हो उसका जल दो, रुद्राक्ष लाए गए, जल दिया, बाबा की कृपा से गुरुदेव, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा था, जांच हुई तो कहा लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया और 18 साल से जो बीमारी थी वो समाप्त हो गई। ये शिव तत्व है हमारा, योग घड़ी है। 2006 से जो बीमारी थी
वो बाबा ने मेरी समा, ये शंकर ओघड़ी कहलाता है शिव तत्व। आप लोग आए जरूर हो, बैठे हो शिव महापुराण में, कथा सुन रहे हो शंकर भगवान की, पर इतना विश्वास मानकर चलना कि मेरे भोले बाबा की कथा में वही जाता है जिसको भोले बाबा हाथ पकड़कर उबारना चाहते हैं, पार लगाना चाहते हैं, जिसका हाथ पकड़ना चाहते हैं। आता ही नहीं कोई। कई कई लोग यही कोड़िया के ऐसे होंगे जिनसे घर नहीं छूट रहा होगा, वो कथा तक नहीं पहुंच पा रहे होंगे। किसी किसी नगर में कथा होती है तो लोग सोचते हैं अपने गांव में कथा हो रही है, अपन कैसे जाएं, इतनी दूर कैसे पहुंचे। अभी ये कथा पूरी हो जाएगी, 17 तारीख से नागपुर में प्रारंभ हो जाएगी, नागपुर में प्रारंभ होगी। कई लोग नागपुर कैसे रहेंगे जो विचार करेंगे अपन तो टीवी पर सुन लेंगे, इतनी दूर कैसे जाएंगे। ना, बाबा की कथा में पहुंचना और बाबा से प्रार्थना करने पहुंचना कि तेरी कृपा से मैं चलकर यहां तक आई हूं, मेरा शरीर ऐसा बनाना कि मरते दम तक पलंग पर मत पटकना, तेरे दरवाजे पर पटकना। पलंग पर मत पटकना इस शरीर को, अगर पटकना तो तेरे दरवाजे पर पटकना। कई लोग ऐसे होंगे कौड़िया गांव के ही होंगे, सोच रहे होंगे जाएंगे 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 जाएंगे, मालूम पड़े ऊपर जाएंगे, अब हम कहां कथा में जाएं, कहां कथा में पहुंचे। कितना कठिन है ऐसी चिलचिलाती हुई धूप, 1.5 किलोमीटर चलकर कथा पंडाल में पहुंचना, बैठना, छाता चादर पन्नी अपनी खुद की बांध कर बैठना, पकड़कर बच्चों को साथ रखना, बुजुर्गों का साथ रखना और कथा सुनना, ये कोई सरल बात है? वो तो बाबा पकड़कर बुलाता है तो आप लोग यहाँ तक पहुँच जाते हो और शिव कथा सुनवा दे। ईर्ष्या ना रखें। गंगा मैया के मन में ईर्ष्या जागृत हो गई सुरभि गाय को देखकर, क्योंकि 33 कोटि देवता सुरभि गाय के अंदर थे, कामधेनु के अंदर, गौ माता के अंदर 33 कोटि देवता थे, तो गंगा माता को ईर्ष्या जागृत हो गई। तुम्हारी देवरानी आ जाए, ईर्ष्या जागृत मत होने देना। तुम्हारी जेठानी कितनी भी विद्वान हो, तुम्हारे भीतर ईर्ष्या जागृत नहीं होना चाहिए। सास छोटी को चाहे तो भी तुम्हारे अंदर ईर्ष्या नहीं आना चाहिए, सास बड़ी को चाहे तो भी तुम्हारे अंदर ईर्ष्या नहीं आना चाहिए। तुम्हारे अंदर यह भाव होना चाहिए, अच्छा है, सास छोटी को चाहेगी तो छोटी आगे बढ़ बढ़ कर काम कर लेगी, मेरे पास फुर्सत नहीं बच्चों को पढ़ाऊं कि कहां जाऊं। जितना भगवान ने दिया उसमें संतुष्टि हमारे भीतर होना चाहिए। गंगा मैया के हृदय में ईर्ष्या जागृत हो गई, थोड़ी सी ईर्ष्या गंगा के हृदय में आ गई। गंगा जी पहुंच गई सीधे भगवान ब्रह्मा जी के पास में। जब उन्होंने सुरभि के शरीर में सारे देवताओं को देखा तो 5 मिनट गंगा जी नहीं रुकी और सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंची, सीधे ब्रह्मा। किसी को बढ़ता हुआ देखो, किसी के यहां गाड़ी आते हुए देखो, किसी का बंगला बनते हुए देखो तो खुश होना कि बाबा ने इनको बंगला दिया, बाबा ने इनको गाड़ी दी, बाबा ने इनको ऐसा बनाया। कल से हमारे घर में अगर दुख आएगा, गाड़ी की जरूरत पड़ेगी तो पड़ोसी की गाड़ी कम से कम काम तो आ जाएगी, ये खुश होना। कभी सीहोर वाले महाराज हमारे यहाँ कथा करने आएंगे तो कम से कम उनके लड़के, उनके संगीत वाले, उनके ब्राह्मण कम से कम हमारे घर में ठहर तो जाएंगे। जितनी देर ठहरेंगे उतनी देर भगवान का ही तो भजन करेंगे। थोड़े बहुत हो सकता है बर्तन झूठे इधर उधर पटक दें, पर वो झूठा पात्र भी झूठा घर में अगर गिर भी जाए तो खुश होना कि भजन के मुख लगे हुए पात्र का जल जमीन पर गिरा, उसका सुख क्या मिलेगा ये जिंदगी भर नहीं सोच पाओगे। और कई ऐसे होते हैं कि भगा भी देते हैं महाराज।